हमीरपुर पुलिस ने 48 घंटे में किया 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा। बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिसकर्मी सहित 2 बदमाश हुए घायल। जी हां, आपको बता दें, रात्रि के समय 10 बजे थाना बीमार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोटरसाइकिल में सवार लगभग 6 की संख्या में गेवड़ी रोड पर बदमाश लूट करने जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बीमार पुलिस द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर क्षेत्राधिकारी महोदा स्वाट टीम प्रभारी थाना बीमार पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोग आ रहे हैं। पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, वह घायल हो गया। पुलिस को द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश शिवम और अमर सिंह दीपक रेवार गोली लगने से घायल हो गए। शेष बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। दीवार थाना में 7 और 8 अप्रैल को बदमाशों द्वारा 2 लूट की घटना कारित की गई। जरिए मुखबिर इंस्पेक्टर दीवार को ये सूचना मिली कि आज गेवड़ी रोड पर ये बदमाश फिर कोई घटना कारित करेंगे। इस सूचना पर एसओजी टीम के साथ वहां पहुंचकर चेकिंग शुरू किया गया। साथ ही क्षेत्राधिकारी मौदहा को भी सूचना दी गई तो वो एडिशनल एसपी के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पे 2 बाइक से 6 बदमाश जाते हुए दिखे, जिनको रोक जब पुलिस दल द्वारा रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और 4 बदमाश भाग गए। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम एक ने दीपक और शिवम बताया, जो मूलतः बांदा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों मोटरसाइकिल लूट की है, एक फतेहपुर से लूटी गई है और एक बीवार से लूटी गई है 8 तारीख को। साथ ही इनसे लूटी गई मोबाइल भी बरामद हुआ। इस प्रकार 48 घंटे के अंदर ही लूट का खुलासा किया गया और ये शातिर बदमाश की गिरफ्तारी की गई। इनको चिकित्सकीय उपचार के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की तलाश भी की जा रही है।